इस वीडियो को देखो। ये है नाइजीरिया के समुद्री लुटेरे, इंग्लिश में बोले तो पायरेट्स। इनका काम है किडनैपिंग करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना। ये ऑयल कंपनीज को अटैक करते हैं क्योंकि इनका कहना है कि ऑयल कंपनीज इनके देश के रिसोर्सेज को लूट रही हैं और यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं दे रही है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कैसे सोमालिया के पायरेट्स का राइज हुआ था और कैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस स्पेशली यूएस ने उन्हें डिस्ट्रॉय किया था। 2011 के बाद से सोमालिया में जैसे पायरेसी बंद ही हो गई थी, लेकिन 2011 के बाद से नाइजीरिया में या आप कह लो गल्फ ऑफ ग्यूनिया में काफी ज्यादा पायरेसी बूस्ट होने लगी और इसी पायरेसी के राइज के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। नाइजीरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पावरफुल देशों में से एक है, लेकिन गरीबी इस देश का बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सरप्राइज कर देने वाली बात ये है कि नाइजीरिया के पास अफ्रीका में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, लगभग 36.9 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज नाइजीरिया में मौजूद है, जैसे शेल, शेवरॉन, अजीब, टोटल। ये कंपनीज 1.6 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। इन ऑयल कंपनीज को लूटना नाइजीरिया के पायरेट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। इंटरनेशनल मरीनटाइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गल्फ ऑफ ग्यूनिया में 2023 के पहले 6 महीने में ही 65 रॉबरी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये जितने भी पायरेट्स हैं छोटे छोटे गांव से आते हैं और कबीलों से आते हैं और गैंग्स बनाकर ऑपरेट करते हैं। हजारों लोग यहाँ पर पॉवर्टी में रहते हैं और अनसैनिटरी कंडीशंस में रहते हैं। इन विलेजेस में ना ही डॉक्टर्स हैं, ना ही प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ना ही एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई एजुकेशनल सिस्टम है। काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और ये जो ऑयल कंपनीज हैं इन्हें इम्प्लॉय भी नहीं करती क्योंकि ये इन पर ट्रस्ट भी नहीं करती। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब नाइजीरिया के पास इतना सारा ऑयल है तो वो अरब देशों की तरह अमीर क्यों नहीं है। इसके काफी सारे कारण है। नाइजीरियन गवर्नमेंट 70% डिपेंड करती है ऑयल के ऊपर अपने रेवेन्यू के लिए। 2014 के बाद से ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा नीचे गिर गए जिसकी वजह से नाइजीरिया की इकोनॉमी में मंदी आ गई और आज भी इसकी इकोनॉमी मंदी से बाहर निकलने में स्ट्रगल कर रही है। नाइजीरिया में जब ऑयल प्राइसेस अच्छे भी चल रहे होते हैं तो ये जो रेवेन्यू है लोगों की वेलफेयर के लिए सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता क्योंकि ये जो जितना भी रेवेन्यू है नाइजीरिया के कर्जे वापस करने में चला जाता है और सांसदों की सैलरीज देने में चला जाता है। इसलिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जरूरतमंद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हो पाता। नाइजीरिया का जितना भी ऑयल है नाइगर डेल्टा में पाया जाता है और यहाँ पर काफी सारी लोकल कंपनीज भी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर जितना भी ऑयल है मेजोरिटी में इंटरनेशनल कंपनीज द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शेल, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जो नाइजीरिया में 40% ऑयल को प्रोड्यूस करती है। नाइजीरिया के पास ये जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करने की इसके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। ये जो बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं इस ऑयल को रिफाइन करती हैं और बाहर एक्सपोर्ट करती हैं। और नाइजीरिया जो अपने क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा रिच है रिफाइंड ऑयल को बाहर से इम्पोर्ट करता है। वैसे नाइजीरिया में एक स्पेशल बॉडी है जो इन कंपनीज पर नजर रखती है जिसे बोलते हैं नाइजीरियन नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, NNPC। NNPC दोनों काम करती है, ऑयल कंपनीज को रेगुलेट भी करती है और उनके साथ कॉर्पोरेशन भी करती है। फॉर एग्जाम्पल NNPC इन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि इन कंपनीज को ऑयल निकालने के बदले में प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना होगा, लाइसेंस उन्हें कितने में मिलेगा। NNPC सारे टैक्स, लाइसेंसेस और रॉयल्टी के पैसे को राष्ट्र खजाने में डाल देती है जिसका इस्तेमाल सरकार देश चलाने में करती है। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है। ये जो रेगुलेटर है जिसका काम है पैसे के लेन देन पर नजर रखना वो NNPC का ही हिस्सा है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। NNPC के ऑफिशियल्स कितना पैसा ले रहे हैं उसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है क्योंकि रेगुलेटर खुद NNPC का हिस्सा है, जिसकी वजह से करप्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेम चीज 2016 में हुई थी, 16 बिलियन डॉलर्स ऑयल कंपनी से लेकर कहाँ गए आज तक पता ही नहीं चल पाया है। एक और चीज, ये जो जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज है टैक्स से बचने के लिए अपने प्रॉफिट को कम बताती है ताकि उन्हें कम टैक्स देना पड़े। प्रॉफिट को कम बताने में NNPC के ऑफिशियल्स इन कंपनीज की मदद करते हैं घूस के बदले में, यही सेम चीज जो इंडिया में होती है। नाइजीरिया में पायरेसी आई पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय अदर्स की वजह से। इन्हीं सेम रीजंस की वजह से पायरेसी आई थी सोमालिया में। ग्लोबलाइजेशन, जिसे आप नियो कॉलोनियलिज्म भी बोल सकते हो या आप कह लो मॉडर्न कॉलोनियलिज्म, इसकी वजह से ये जो कैपिटलिस्ट कंपनीज हैं डेवलपिंग देशों की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रही हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। बेशक ग्लोबलाइजेशन की काफी सारी एडवांटेजेस हैं, बट ये एक वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज है। मैं पायरेसी
पायरेसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन जो चीज जिसने इस चीज को काफी ज्यादा चिंगारी दी है वो है फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन। सोमाली पायरेट्स वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने काफी सारे स्टेप्स लिए थे पायरेसी को रोकने के लिए, और वो सोमालिया के केस में काफी ज्यादा इफेक्टिव भी थे। लेकिन नाइजीरिया की जो पायरेसी है उसके साथ एक प्रॉब्लम है, और वो है ऑयल टैंकर्स। ये जितनी भी शिप है ऑयल टैंकर्स से भरी हुई होती है, इसलिए ये जो शिप होती है इसकी क्रू मेंबर्स गन फाइट को अवॉइड करते हैं क्योंकि इन ऑयल टैंकर्स के ब्लास्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। नाइजीरिया के अलावा सिंगापुर स्ट्रेट में भी पायरेसी में काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिला है। 2023 में 25% ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंगापुर स्ट्रेट के पायरेट्स के अपने अलग इकोनॉमिक रीजंस हैं जिसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। अगर सोमाली पायरेट्स वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो ये रहा उसका लिंक, प्लीज इसे क्लिक करो और देख लो। और ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।